पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत जसूर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं खंड योजना अधिकारी देशराज ने की। जागरूकता रैली जसूर से निकालेगी और रैली के माध्यम से लोगों को पॉलिथीन हटाओ और पर्यावरण बचाओ पर जागरूक किया गया। पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत जसूर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज शिक्षा एवं खंड योजना अधिकारी देशराज ने की। जागरूकता रैली जसूर में निकाली गई और रैली के माध्यम से लोगों को पॉलीथीन हटाओ और पर्यावरण बचाओ के बारे में जागरूक किया गया। देशराज द्वारा रैली में उपस्थित लोगों को स्वच्छता के लिए शपथ भी दिलवाई गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार पर्यावरण के प्रति काफी चिंतित है। हमारे देश व प्रदेश के लिए पॉलीथीन का काफी प्रयोग किया जाता है। ये पॉलीथीन देश और प्रदेश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, साथ ही पर्यावरण के अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए भी ये घातक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर कोई दुकानदार या दूसरा लोग इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहा था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पॉलीथीन सड़ता नहीं है, जिस कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करें ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। नमस्कार सर, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो भारत सरकार है और हिमाचल सरकार है वो पर्यावरण के प्रति कितनी चिंतित है। हमारा देश या प्रदेश जो वो या उसके जो लोग हैं वो पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं और ये पॉलीथीन जो है वो हमारे लिए और पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारा जो पर्यावरण है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनके लिए कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर कोई जो दुकानदार है या दूसरे लोग हैं वो भी इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये ना ही गलता है और ना ही सटता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर और जो इस पर्यावरण में जीव जंतु रहते हैं या दूसरे लोग रहते हैं उनके उसके लिए स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है वो, तो इसलिए हमारी सरकार जो है वो इसके लिए कटिबद्ध है कि ये जो पॉलीथीन है वो उसका प्रयोग जो है वो थोड़ा कम हो और लोग इसका जो डिस्पोजल है वो साइंटिफिक तरीके से करें। मैं प्रधान रजनी महाजन करमनाला पंचायत से, आज हमने स्वच्छता के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित रैली निकाली जिसमें हमारे जसूर के काफी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। तो मेरा आप सबको यही संदेश है कि जैसे हम सब ने मिलकर को कार्य करने की कोशिश की, सभी कोऑपरेट करें और कचरा अच्छे से सभी गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालें, जिस तरह भी हो स्वच्छता को बचाएं और देश के स्वच्छ के लिए अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। हम सिमरन है, मैं ICTU मठौली से आई हूँ। आज हम यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमने जसूर की सारी गलियों से जो है वो रैली निकाली है। कुछ हमारे साथ यहाँ पे आंगनवाड़ी के भी आए हैं और शास्त्री ITI के काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं जो सुबह से यहाँ पे सफाई अभियान कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि वो अपने घर की गलियों और घर के बाहर की जो भी कूड़ा करकट होता है उनकी अच्छी तरह से सफाई करें। अगर एक कोशिश करेगा दूसरा उसको बिगाड़ रहा है तो हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं वार्ड नंबर 2 नाला पंचायत का विवेक शर्मा, मेरा आग्रह यही रहेगा कि इस चीज़ को हर कोई समझे, हर कोई जाने। ये सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, हर कोई इसको करेगा। अगर स्वच्छता का ये ध्यान हर कोई रखेगा तभी ये काम हो पाएगा। हमारे करने से, रैलियां करने से ये नहीं होगा, ये हर कोई समझे। हम तो यही इसी के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।